Good morning, students. Today we will discuss about the endocrine glands. First of all, we have to know what is gland. Gland is an organ which secretes particular chemical substances for use in the body or for discharge into the surroundings. Here we can see that there are three types of gland in our body. First one is endocrine glands, second is exocrine glands, and third one is heterocrine glands. In this diagram, we can see that these two types of exocrine and endocrine glands are present, in which exocrine glands are ductful glands, while endocrine glands are ductless glands. तो आप देख सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाया गया है वो डक्ट्स लेस चीज़ दिखाई गई है, जबकि यहाँ पे क्लियर आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर कि डक्ट्स जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। तो अब अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो जो बात हमने बोली वही इसकी डेफिनेशन में आएगी। लाइक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपने सीक्रीशन को डक्ट्स के अंदर डालती हैं। सीक्रीशन का मतलब अपने प्रोडक्ट्स को जब वो सीक्रीट कर रही हैं तो वो डक्ट्स के अंदर सीक्रीट कर रही हैं। सो द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स दैट सीक्रीट देयर प्रोडक्ट्स इनटू डक्ट्स, एंड द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स, स्टमक एंड लिवर। And in this diagram, we can clearly see that a sweat gland is showing in this diagram. In previous chapter, we study about the integumentary system, and this is the diagram of our skin, in which epidermis and dermis, we can see clearly that in this dermal part of skin, there is a sweat gland. Sweat gland is an exocrine gland. और आप देख रहे हैं जैसा कि ये एक डक्ट इससे निकलती हुई जा रही है ब्लू डायग्राम से जो आपको दिखाया गया है, और वो बाहर जा कर के हमारे स्किन के बाहर पोर के अंदर ये खुल रही है। तो ये डक्ट वाली जो ग्लैंड है उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसके पास वाले डायग्राम के अंदर एलैबोरेट करके बताया गया है कि ये जो डक्ट ग्लैंड की सेल्स दिखाई गई हैं जिनको हम स्वेट सीक्रीटिंग सेल्स कहते हैं, इन सेल्स में से सीक्रीशन निकल रहा होता है और वो निकल करके इस डक्ट में जाता है, और डक्ट से होता हुआ वो हमारे स्किन के बाहर जो पोर है उसके थ्रू वो बाहर आता है और हमें स्वेटिंग का प्रोसेस हमारी बॉडी में देखने को मिल रहा होता है, और ये हमारे बॉडी को, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी करता है। दूसरी ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दीज आर द ग्लैंड्स दैट सीक्रीट देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड रादर देन थ्रू अ डक्ट। मतलब ये अपने प्रोडक्ट को अपने डक्ट के थ्रू बाहर नहीं निकाल रहे होते हैं, बल्कि ये अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। इन्हें किसी डक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ब्लड के अंदर ये अपना प्रोडक्ट डालेंगे और उस प्रोडक्ट को हम हॉर्मोन्स कहते हैं। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम है कि वो हॉर्मोन्स को सीक्रीट करती हैं और डायरेक्टली ब्लड के अंदर सीक्रीट करती हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो एग्जाम्पल हैं वो आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रहे हैं, और हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में इनकी स्टडी भी करी थी। तो वो ग्लैंड्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियास, थायराइड ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स। ये मेनली चार ग्लैंड्स हैं, इनके अलावा भी और ग्लैंड्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, पर हमारे इस स्लाइड के अंदर आपको ये चार ग्लैंड्स दिखाई दे रही हैं। हम आगे इस एंडोक्राइन ग्लैंड्स को और डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारे इस चैप्टर का नाम ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, पर उससे पहले हम ग्लैंड्स जो हैं उन तीनों ग्लैंड्स का शॉर्ट के अंदर थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। जैसे अब हेटरोक्राइन ग्लैंड्स थर्ड हमारी ग्लैंड है। हेटरोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह के फंक्शंस करती हैं। मतलब दीज आर द ग्लैंड्स दैट परफॉर्म बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शंस इन आर बॉडी, एंड द एग्जाम्पल ऑफ हेटरोक्राइन ग्लैंड्स इज पैनक्रियास। इन दिस डायग्राम वी कैन सी पैनक्रियास एक्ट बोथ लाइक ग्लैंड्स, एक्सो एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स।
Now we will discuss about the endocrine system of our body. Endocrine system consists of glands and group of capillaries which facilitates diffusion of hormones to blood stream. मतलब ये endocrine जो system है हमारी body का, वो ऐसा system है जो glands से मिलकर के बना हुआ है, साथ में capillaries का पूरा group उनके साथ glands के साथ मिलकर के काम कर रहा होता है. capillaries का group क्यों काम कर रहा है? क्योंकि हमने पहले देखा कि endocrine glands वो glands होती हैं जो अपने secretion को direct blood में डालती हैं, और ब्लड कोई हमारी बॉडी के अंदर खुला तो घूम नहीं रहा है, वो किसी चैनल के थ्रू ट्रैवल कर रहा है. और वो कौन से चैनल है? ब्लड वेसल्स का चैनल है. ब्लड वेसल्स में आर्टरीज आती हैं, वेसल्स आती हैं, कैपिलरीज आती हैं. तो इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स और कैपिलरीज का ग्रुप जो है मिलकर के वर्क कर रहे होते हैं और सिस्टम को बनाते हैं. और क्या वर्क कर रहे होते हैं? कि ये दोनों मिलकर के जो इन ग्लैंड्स का सीक्रीशन है या इन ग्लैंड्स के जो प्रोडक्ट है उनको सीक्रीट करने का काम करता है. और इनके प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं? हॉर्मोन्स. तो ये हॉर्मोन्स का डिफ्यूज़न करता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर. कौन करता है? एंडोक्राइन सिस्टम हॉर्मोन्स का डिफ्यूज़न. कौन सा वाला डिफ्यूज़न? फैसिलिटेटिव. हमने पढ़ा था डिफ्यूज़न एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे अंदर तीन तरह के होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एंड फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्टेशन. तो फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्टेशन कह लीजिए, चाहे फैसिलिटेटिव डिफ्यूज़न कह लीजिए, इस डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने प्रोडक्ट्स मतलब हॉर्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सीक्रीट करती हैं. और क्योंकि ये डायरेक्ट अपने ब्लड स्ट्रीम में ही हॉर्मोन्स को रिलीज़ कर रही हैं, इसलिए हम इन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं. दे आर कॉमनली रेफर्ड एज द डक्टलेस ग्लैंड्स बिकॉज द हॉर्मोन्स सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. हियर इन दिस डायग्राम वी कैन ईजीली सी द एंडोक्राइन ग्लैंड कंटेनिंग द सीक्रेटरी वेसिकल्स. ये आपको ब्लू कलर के अंदर सीक्रेटरी वेसिकल्स दिखाई दे रहे हैं. जब ये वेसिकल्स बस्ट होते हैं तो इनके अंदर जो आपको डार्क ब्लू कलर के स्मॉल ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं वो रिलीज हो गए. और वो कहाँ रिलीज हुए हैं? जो ये रेड कलर का आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये ब्लड वेसल दिखाई गई है. इस ब्लड वेसल के अंदर ये ग्रेन्यूल्स डायरेक्टली रिलीज हो रहे हैं. और फिर जो ब्लड वेसल्स के अंदर आपका ब्लड फ्लो हो रहा है वो जहाँ भी जाएगा उस हार्मोन को उस टारगेट सेल तक पहुँचा देगा. तो एंडोक्राइन सेल्स के अंदर सीक्रेटरी वेसिकल्स दिखाए गए हैं, ये बस्ट हुए. इन्होंने अपने सीक्रीशन को, अपने प्रोडक्ट मतलब हॉर्मोन्स को ब्लड वेसल्स के अंदर डायरेक्ट रिलीज किया. ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो इन ग्रेन्यूल्स को या आप कहिए इन हॉर्मोन्स को टारगेट सेल के अंदर लेकर के गया. ये काम है आपके एंडोक्राइन सिस्टम का. अब और हम थोड़ा सा इस एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में देखें कि भाई एंडोक्राइन सिस्टम क्या है. तो इसकी डेफिनेशन को अगर हम वापस से बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं द एंडोक्राइन सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टिश्यू फंक्शन, सेक्सुअल फंक्शन, रिप्रोडक्शन, स्लीप एंड मूड एमंग अदर थिंग्स. वापस से सुनिए इस लाइन को. ये लाइन, हालांकि आप जो मैंने इस स्लाइड में बता रखा है आप उतना भी आंसर लिख सकते हैं, और आप चाहें तो जो मैं बोल रही हूँ वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं. द एंडोक्राइन सिस्टम इज द
कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स, क्योंकि हमने बोला ना कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आएंगी और कैपिलरीज का ग्रुप आएगा जो कि अलग अलग फंक्शंस कर रहे होते हैं. कौन कौन से फंक्शंस हैं इनके? मेटाबॉलिज्म भी करेंगे, ग्रोथ डेवलपमेंट भी करेंगे, टिश्यू फंक्शन भी करेंगे, सेक्सुअल फंक्शन भी करेंगे, रिप्रोडक्शन भी करेंगे, आपके सोने के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और आपके जो मूड है वो भी इन्हीं ग्लैंड के सिक्रीशंस पे डिपेंड करता है. तो इसकी डेफिनेशन को हम एक बार फिर से देखते हैं. द एंडोक्राइन सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस हॉर्मोन्स विच रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टिश्यू फंक्शन, सेक्सुअल फंक्शन, रिप्रोडक्शन, स्लीप एंड मूड एमंग अदर थिंग्स. या हम इसकी एक दूसरी डेफिनेशन बनाएं तो हम ये भी कह सकते हैं द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ केमिकल मैसेंजर सिस्टम कंपराइजिंग फीडबैक लूप्स ऑफ द हॉर्मोन्स रिलीज्ड बाय इंटरनल ग्लैंड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम रेगुलेटिंग डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन्स और सेल्स. मतलब एंडोक्राइन सिस्टम वो केमिकल मैसेंजर सिस्टम है. केमिकल मैसेंजर हमने क्यों कहा? क्योंकि ये अपने केमिकल्स जिसको हम हॉर्मोन्स कहते हैं उनको रिलीज कर रहा है. तो केमिकल मैसेंजर सिस्टम है जो कि हॉर्मोन्स के फीडबैक लूप से मिलकर के बना हुआ है. और ये हॉर्मोन्स कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? आपके इंटरनल ग्लैंड से. किसके इंटरनल ग्लैंड्स? किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले हॉर्मोन से मिलकर के बना हुआ है. और ये हॉर्मोन्स कहाँ पे रिलीज हो रहे हैं? डायरेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो डक्टलेस ग्लैंड से मिलकर बना है, इसलिए डक्ट्स इसमें है नहीं. तो ये अपने सीक्रेशन को डायरेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड में डालता है. और फिर इस सीक्रीशन की वजह से हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, चाहे वो उस ग्लैंड से कितने भी दूर क्यों ना हो, वो रेगुलेट होते हैं. ऐसा हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन होता है. दूसरा, अगर हम देखें कि भाई अब एंडोक्राइन सिस्टम का काम क्या क्या होता है, तो चलो काम देखने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि कुछ मीनिंग इसके अंदर बताए गए हैं कि क्या ये एंडोक्राइन सिस्टम, ये जो नाम हमने दिया है एंडोक्राइन, इसका क्या मतलब क्या होता है. तो देखिए, एंडोक्राइन वर्ड जो है ये एक ग्रीक वर्ड है और ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एंडो और क्राइनिस. एंडो का मतलब है विद इन और क्राइनिस का मतलब है टू सीक्रेट. क्या कहा मैंने? मैंने कहा एंडो मीनिंग विद इन एंड क्राइनिस मीनिंग टू सीक्रेट. तो ये पहला तो एंडोक्राइन वर्ड का मतलब है. और ये कहाँ से डिराइड हुआ है? ये ग्रीक वर्ड से डिराइड हुआ है. तो फिर हम कह सकते हैं इन जनरल इस ग्लैंड के बारे में, हम इन जनरल क्या कह सकते हैं? इन जनरल अ ग्लैंड सेलेक्ट्स एंड रिमूव्स मटीरियल फ्रॉम द ब्लड, प्रोसेसेस देम एंड सीक्रीट्स द फिनिश्ड केमिकल प्रोडक्ट फॉर यूज समवेयर इन द बॉडी. ये वो ग्लैंड है जो मटीरियल को सेलेक्ट करती है, रिमूव भी करती है ब्लड से, उनको प्रोसेस भी करती है, उनको सीक्रीट भी करती है, और फिर हमारी बॉडी में इन प्रोडक्ट्स का कहीं पर भी अगर यूज़ होना है इन केमिकल प्रोडक्ट्स का, तो वो यूज़ होता है. मतलब ये अपना काम कर देते हैं ये जो प्रोडक्ट्स हैं. और ये हमारी बॉडी के लगभग सभी ऑर्गन्स और बॉडी की सभी सेल्स को भी इफ़ेक्ट करता है. ये एंडोक्राइन सिस्टम इतना इम्पॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का कि ये हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स सभी सेल्स को इफ़ेक्ट करता है. मीन्स द एंडोक्राइन सिस्टम इफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन एंड सेल इन द बॉडी. ऑल्दो द हॉर्मोन्स सर्क्यूलेट थ्रू आउट द बॉडी, ईच टाइप ऑफ हॉर्मोन इज टारगेटेड टूवर्ड्स सर्टेन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज. मतलब जितने भी हॉर्मोन्स जो हमारी बॉडी में सर्क्यूलेट हो रहे हैं या बॉडी के द्वारा जो सर्क्यूलेट हो रहे हैं, उसमें जो हॉर्मोन्स जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं उनका कोई ना कोई टारगेट ऑर्गन होता है या कोई टारगेट टिश्यू होता है. कुछ सर्टेन ऑर्गन्स टिश्यूज को ही वो टारगेट ज़्यादा कर रहे होते हैं.
ये चीज़ मार्क मेलवन नोट्स के अंदर बताई गई है कि कुछ टारगेटेड ऑर्गन, सर्टेन ऑर्गन्स या टिश्यूज़ को ही ये हॉर्मोन्स जो वो टारगेट करते हैं, जैसे कि किडनी, लिवर, हार्ट, गोनाड्स, ये इनके मेन ऑर्गन्स होते हैं और इनके थ्रू ये जो है सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शंस इनका देखने को मिल रहा होता है। जैसे किडनी एक एग्जांपल है, ये इराइथ्रोपोएटिन और रेनिन को सीक्रेट करती है, तो इस तरह से जो है इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन भी हम लोग देखते हैं। अब दूसरी हम बात करते हैं, ये तो हमने जनरल इसकी डेफिनेशन वगैरह के बारे में बोला, अब अगर हम जानना चाहें कि भाई एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड्स आती है, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ग्लैंड्स। फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड थायराइड ग्लैंड, थर्ड पैराथायराइड ग्लैंड, फोर्थ एड्रीनल ग्लैंड, फिफ्थ पैनक्रियास, सिक्स्थ थाइमस ग्लैंड्स, दीज आर द मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। द एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स, पेनक्रियाज एंड द रिमेनिंग टू ग्लैंड्स, ओवरीज इन फीमेल एंड टेस्टिकल्स इन मेल्स। ये सारी जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जा रही होती है, मतलब ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। अब ये जो नाम हमने लिए हैं, इन ग्लैंड्स को हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर भी देखेंगे, इनको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले आ रही है पिट्यूटरी ग्लैंड्स,